हेलो गाइज नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। आज आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताऊंगा जिससे आपके छक्के मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइज। तीनों लाइन में, स्ट्रेट की लाइन, ऑफ की लाइन और लेग की लाइन, तीनों लाइनों में तीनों तरह के बैकलिफ्ट और सही टाइम पर बैट का फेस खोलना, अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आप बहुत आसानी से तीनों डायरेक्शन में बहुत अच्छे छक्के मारेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या गलती हम लोग करते हैं, और थोड़े दिन तक आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की, उस पर थोड़ा सा भी वर्क किया तो बहुत ही आसानी से आज बहुत ही लंबे छक्के मारेंगे। जो पावर हिटर होते हैं, फुल लेंथ की डिलीवरी देखी नहीं, पावर हिटिंग शुरू कर देते हैं। बट पावर हिटिंग सही है, फुल लेंथ की जोन में आपकी जोन वाली बॉल है, आपने छक्का मारना है उसमें, बट सही टाइम पर सही बैकलिफ्ट के साथ फेस अगर सही डायरेक्शन में आपका जाएगा तो 100% प्योर छक्का जाएगा एकदम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सही बैकलिफ्ट और सही बैट का जो टाइमिंग, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन बैट और बॉल का, वो सही हो गया तो छक्का जाना ही जाना। अब इसमें गलती क्या होती है और क्या क्या चीज़ हमने इम्प्रूव करनी है, वो चीज़ इसको गौर से देखिए, फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आपका गेम कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। देखिए ये मेरा बैटिंग स्टांस है। पहले तो मैं आपको फुल लेंथ डिलीवरी की बात बताऊँगा क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी जो शॉर्ट लेंथ की बॉल है, बाकी बॉलों में बात करेंगे। अभी क्या होता है, फुल लेंथ की बॉल में, जैसे यहाँ पे फुल लेंथ की बॉल है, ये हमारा फुल लेंथ का जोन होता है। यहाँ पे जहाँ पे खड़े हो आप, यहाँ से पूरा बैट, एक बैट इस तरह से आप ये करेंगे, ले जाएंगे, तो वो आपका फुल लेंथ का जोन होता है। अभी फुल लेंथ की बॉल में मिडिल की बॉल आ रही है, फिर ऑफ की बॉल, फिर सीधे पैरों की बॉल, तीनों बॉल। मिडिल की बॉल में क्या है, हमारा बैक लिप एकदम सीधा जाना चाहिए। देखिए इस तरह से सीधा जाना, इस तरह से जाएगा। जब बैट नीचे आएगा आपका बिल्कुल नज़र बॉल पे, और सीधे बिल्कुल पैर के क्लोज होते हुए आएगा। देखिए ये क्लोज होते हुए आ रहा है, पैर के क्लोज होते हुए आ रहा है, और बैट बॉल का जब कांटेक्ट होगा, बैट एकदम सीधा होगा उस टाइम तक। अक्सर क्या होता है, यहाँ ही पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बैकलिफ्ट ले जाते हैं यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पहुँच गया आपका बैकलिफ्ट, यहाँ से जब बैट नीचे आएगा तो ऐसे क्रॉस में आएगा, यानी सीधा नहीं आएगा बल्कि ऐसे क्रॉस में आएगा। ऐसे क्रॉस में आएगा तो ये बॉल है, बैट का डायरेक्शन फेस ऐसा होगा, बॉल आ रही है सीधी, और आपने ऐसे क्रॉस मार दे तो हो सकता है आपका मिड विकेट की तरफ कैच उड़ जाए, क्योंकि कॉन्टैक्ट सही नहीं होगा। अगर यही बैट आपका सीधा आएगा ऐसे, तो सीधा आएगा तो सीधा हिट करेगा, हिट करने के बाद आपका फिर बैट इस तरह से ऊपर जा सकता है मुड़ते हुए इस तरह से। लेकिन जब हिट कर रहे हो उस टाइम पे बिल्कुल इसके क्लोज से आएगा। ये थोड़े दिन प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी, फुल लेंथ में अंडर आर्म बॉल डालनी पड़ेगी, बैट एकदम सीधा लाना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे ध्यान रहे, नीचे वाला हाथ आपका टाइट रहेगा हमेशा ही। जो भी आप लॉफ्टेड शॉट मारते हैं, सिर्फ ऑफ साइड को छोड़ के, ऑफ साइड में बहुत ज़्यादा अगर आपने टाइट कर दिया, ये बॉल भी इसी तरह लपेटे में आएगी, फिर आपका साइड एज लगेगा, कैच होगा, उठेगा। क्योंकि यहाँ की बॉल को अगर आप ऐसे मोड़ रहे हो, हाथ ज़्यादा टाइट है, हाथ टाइट है तो क्या होगा, फेस खुलेगा नहीं बैट का, इस तरह से खुलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये कॉर्नर लगेगा और कैच जाएगा। इसीलिए इस वाले में हाथ आपने टाइट रखना है, ऊपर वाला थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, फेस खोलते समय सीधे इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट लगभग पैरों की बॉल आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर आती है तो फिर आपने इस तरह से ही मार देना है, यहाँ को फ्लिक जैसे मारते हैं इस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा हाई बैक लिफ्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं यहाँ की बॉल को। कभी भी अगर यहाँ की बॉल जो लगभग पैर के पीछे वाले एरिया में जा रही है, वाइड बॉल जाने वाली है, वो वहाँ पर अगर फुल लेंथ आ गई तो अगर आपने ताकत से शॉट मारा ना, ये शॉट बहुत कम जाएगा। इसको क्या है, हल्का सा फ्लिक करके ही मारना पड़ता है। तो इस चीज़ में ध्यान देना, यहाँ की बॉल में बहुत ज़्यादा ताकत से कभी मत मारना। जो लगभग पैरों के एरिया की बॉल आ रही, ये होगी सामने, ये पैरों के एरिया की है, इस बॉल को यहाँ से बैकलिफ्ट आएगा, हल्का सा इस तरह से आएगा, और यहाँ से क्रॉस में बैकलिफ्ट आएगा। इसको अगर आप सीधे बैकलिफ्ट लाएगा, बॉल यहाँ है आपकी, वो कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा इस साइड से, तो इसलिए हमेशा ये क्रॉस बैकलिफ्ट आएगा। ये तीनों में आपने प्रैक्टिस कैसे करनी वो बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज़ को हैबिट में शामिल कर सको और आगे चल के आपके सटीक शॉट लगे। नेक्स्ट आता है ऑफ साइड की बॉल। अब ऑफ साइड की बॉल में क्या हो गया, देखो दोनों में मैंने अच्छे से समझा दिया, यहाँ पे ऐसे सीधा आएगा, यहाँ से क्रॉस में आएगा, आपका ऑटोमेटिक बैट का फेस इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल मिड विकेट की तरफ या लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का जाएगा इस वाली बॉल में। बाकी जो ऑफ की बॉल है, यहाँ पे की बॉल है, यहाँ की बॉल में
बैक लिफ्ट हमेशा यहाँ नहीं जाएगा बल्कि इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ। अभी देखिए मैंने कहाँ चला गया, वैसे यहाँ जा रहा था, ऑन की बॉल को यहाँ जा रहा था, उसके लिए सीधा जा रहा था, इसके लिए थोड़ा सा, ये बिल्कुल मार्जिन थोड़ा सा होता है। जब तेज़ शॉट मारता बंदा उस समय पता ही नहीं लगता कितना जा रहा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो जैसे यहाँ पर की बॉल आती है, आपने बहुत ज़्यादा हाथ को टाइट नहीं करना है ऑफ साइड की बॉल को, बाकी मिडिल, मिड विकेट, ऑन साइड सभी में टाइट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका शॉट यहाँ को जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ से लाते समय बैक लिफ्ट यहाँ से आएगा और बॉडी का ये कंधा इस डायरेक्शन में होगा और ये बैट का फेस ऐसे होगा, बैट का फेस ऐसे होगा, बहुत बढ़िया शॉट जाएगा। यहाँ मारने के बाद तब आप फिनिश कर सकते हो, सकता है तो आप ऐसे करके ही मारेंगे तो बहुत बढ़िया छक्का जाएगा, एकदम से कनेक्ट परफेक्ट होगा। क्योंकि बॉल का ऐसे आना और बैट का यहाँ से इस डायरेक्शन में फेस खुलना बहुत ही बढ़िया कनेक्ट होता है। तो तीन चीज़ों का ध्यान देना। अब इसमें स्टार्टिंग में आप मेरे अगर बात मानो तो फुल टॉस बॉल में प्रैक्टिस करो, फुल टॉस बॉल में बहुत अच्छा आपको दिमाग में बैठेगा मैंने कैसे कैसे हल्के लास्ट मोमेंट में आपने आपको कलाई को कैसे मोड़नी है ऑफ साइड की बॉल को, और स्ट्रेट की बॉल में आपका बैट कैसे सीधा आ रहा है नहीं आ रहा है, और ऑन साइड की बॉल में, तीनों बॉलों में अगर आप सही तरीके से बैट का फेस खोल देंगे और सही बैक क्लिप ले जाएंगे, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। बाकी पावर, बैट स्पीड, ये ऑलरेडी पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कनेक्शन के लिए ये दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, आप इन चीज़ को सीखिए, बहुत आसानी से आपके लंबे लंबे छक्के जाएंगे। गाइज ऐसे टिप्स के लिए चैनल में बने रहे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।